हेलो दोस्तों, देखिए ये अभी जो कल ये कल नहीं आज ही एग्ज़ाम हुआ है, ये 3 जुलाई को, तो इसका कट ऑफ क्या जाएगा इसके बारे में आपको डिटेल्स मैं बताता हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकती है इसके बारे में समझिए, कैसे आपको समझना होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है इसमें टोटल जो पद हैं वो 486 हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो 486 पद हैं ये, देखिए 486 पद यहाँ पे, और इसमें जो जनरल कैटेगरी के पद हैं वो 248 यानी 248, और OBC के 129, SC के 101, ST के 8 पद हैं। अब ये टोटल मिला के 486 होते हैं दोस्त। अब आपको समझना क्या है इसमें, इसमें आपको जो समझना है वो ये कि इसमें जो क्षैतिज आरक्षण होगा, क्षैतिज आरक्षण का मतलब आप समझें इस तरह से, यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण में कौन कौन आएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिख रखा है क्षैतिज आरक्षण, ये देखिए क्षैतिज आरक्षण, और इस क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 9 सीट हैं, अभी मैं बताता हूँ कि ये सीट कहाँ से 9 मिलेंगी, विकलांग की सीट नहीं है, एक्स सर्विसमैन के 24 सीट हैं और गर्ल्स की 97 सीट हैं, टोटल इस तरह से 130 सीटें क्षैतिज आरक्षण की हैं। क्षैतिज का मतलब होता है ये जो आपकी वैकेंसी है 486 पोस्ट, इसी में से 130 पद इन क्षैतिज आरक्षण में दिए जाएंगे, इसका मतलब 130 पद आपके माइनस कर दिए जाएंगे, 356 पद आपके बचेंगे, इस 356 पद में आपका चयन होगा, यानी ऐसे विद्यार्थी जो एक्स सर्विसमैन नहीं है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से नहीं है, गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स की 97 सीट फिक्स हो गई है यहाँ पे, ये गर्ल्स की 97 सीट देख रहे हैं कि यहाँ पर 20% टोटल, 20% टोटल सीट का 20% गर्ल्स की सीटें होती हैं, इसका 20% अगर आप निकालेंगे, अगर आप 20% निकालेंगे किसका, 4 देखिए 400 आपके पास जो सीटें हैं वो 486 सीट हैं, 486 सीट में 486 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 97.2 हो रहा है, राउंड फिगर में 97 सीट ली गई है, 20% महिलाओं की सीटें होती हैं, तो 20% यहां पर 97 सीट पे महिलाएं आ जाएंगी, 24 सीट एक्स सर्विसमैन के और 9 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, इस तरह से 130 सीटें इसमें से माइनस हो जाएंगी, बची 356 सीट जो जनरल OBC SC ST के होंगे। ऐसा नहीं कि ये 97 सीट जो महिलाओं की माइनस हो रही है 20%, वो किसी एक से नहीं, हर कैटेगरी में लिए जाएंगे, यानी 20% जनरल कैटेगरी से, जैसे यहाँ पे 248 सीटें हैं, इसका 20% मैंने माइनस कर दिया तो लगभग 200 सीट बचेंगी यहाँ पे, तो 200 सीट यहाँ पे अब महिलाओं की सीटें इसमें से निकाल दी गई हैं, OBC की 129 है तो लगभग 103 बचेंगी, 101 सीट SC की है तो 20% निकालने पे 80 के आसपास हो गया, और ST की 8 है तो 2 सीट निकाल दिया इसमें से, 6 सीट ये महिलाओं के बाद बच गई हैं। अब आपको सिलेक्शन 356 सीटों में लेना है, मतलब जो मेरिट बनेगी वो 356 को देखते हुए बनेगी, और इनकी मेरिट अलग बनती है, जो क्षैतिज आरक्षण वाले हैं इनकी मेरिट अलग से बनती है। अब देखिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 9 सीटें हैं इसमें अगर 9 ही बच्चे पाए गए, इसके बारे में डिटेल में समझ लीजिए, अगर 9 ही बच्चे पाए गए हैं इसमें तो इसका ये मतलब होता है कि 9 बच्चे इसी कैटेगरी में रहेंगे, और इनकी कट ऑफ 9 को देखते हुए बनेगी, जो हमने लिया है 40 से 50, इन 9 के हिसाब से जो कट ऑफ ली गई है वो कितनी ली गई है, इन 9 के हिसाब से जो कट ऑफ आएगी वो 40 से 50। एक्स सर्विसमैन की सीट यहाँ 24 है, तो एक्स सर्विसमैन यहाँ 24 अप्लाई ही नहीं किए होंगे, तो आप निश्चित तौर पे एकदम एक्स सर्विसमैन जिनका भी होगा उनका सिलेक्शन श्योर है, जितने भी लोग होंगे सभी हो जाएंगे, उतने मिल ही नहीं पाते हैं किसी भी वैकेंसी में, जल्दी नहीं मिल पाते, जिसमें सीटें कम होती हैं उसी में शायद फिल हो जाएँ, अदरवाइज यहाँ पे 24 सीटें एक्स सर्विसमैन की हैं, जितने भी एक्स सर्विसमैन के लोग होंगे उनके सभी के सिलेक्शन हो जाएंगे, तो इसमें मेरिट की बात ही नहीं है, जो भी आपका 20 नंबर 30 नंबर आ जाएगा वो सभी लोग हो जाएंगे। अब रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स की यहाँ पे 97 सीट, इनकी मेरिट जा सकती है 65 से 72 तक। इसके अतिरिक्त अब देखिए जनरल की सीटें, तो यहाँ पर जनरल
जनरल का देखा जाए तो 65 से 70 के आसपास जा सकता है मेरिट, 65 से 70 के आसपास। जनरल की 65 से 70 के बीच में, ओबीसी की 65 से 68 आसपास, या हो सकता है कि दोनों की मेरिटें बराबर हो जाएं। एससी की 60 से 65 के आसपास और एसटी की 55 से 60 के आसपास, यानी थोड़ा सा वेरिएशन रखा गया है, 55 से 60 के आसपास रहेगी। बाकी लोगों का हमने बता दिया, ये मेरिट रहने वाली है। और इसमें जो आरक्षण है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज आरक्षण हमने जो बताना चाहा है वो इसी वैकेंसी में से माइनस हो जाएगी। और इस ये वैकेंसी ग्रेड पे जो है इसका 1900 है, तो 1900 ग्रेड पे सैलरी कितनी बनेगी इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है कि 1900 ग्रेड पे जो सैलरी बनेगी वो सैलरी भी आप देख सकते हैं कि जिनका चयन होने वाला है इसमें उनकी सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक जिनका सिलेक्शन हो रहा है। आप देख लें कि अगर आप इस कैटेगरी में हैं, मेरिट आप कितनी बन रही है, तो आप अपने आप को श्योर समझ सकते हैं।